वेलकम टू चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की हेडिंग के अंडर कार्बन साइकिल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करने से पहले देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए। कार्बन की तरह नाइट्रोजन को भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स का इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस डायग्राम में ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। सो नाइट्रोजन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मींस हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन आती कहाँ से है। फ्री गैशियस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन यूज दिस गैशियस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देयर आर सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं या उनको फिक्स कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं जबकि दूसरे फ्री लिविंग होते हैं। यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू यूज दिस गैशियस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये इस नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं विच आर देन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, एंड एनिमल्स गेट दिस नाइट्रोजन बाय ईटिंग दिस प्लांट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। देयर आर मेन थ्री स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, सेकेंड इज द एसिमिलेशन एंड थर्ड वन इज द डीनाइट्रिफिकेशन। वन बाय वन हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में इन तीनों स्टेप्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। हियर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, देन एसिमिलेशन बाय द प्लांट्स एंड फाइनली डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल के फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स को फर्दर थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स अकर फर्स्ट बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन बाय द अमोनिफिकेशन एंड देन नाइट्रिफिकेशन। यहाँ इस डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के इन तीनों स्टेप्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन अमोनिफिकेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिफिकेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। लेट अस सी व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। Conversion of nitrogen gas into nitrates is called nitrogen fixation. Molecular nitrogen को nitrates में convert करने के process को nitrogen fixation बोला जाता है। ये nitrogen fixation three ways से occur करती है। First of all, by the atmospheric nitrogen fixation, means nitrogen को atmosphere में कैसे fix किया जाता है। Then, second is biological nitrogen fixation, जिसमें bacteria nitrogen को fix करते हैं। Then third is industrial nitrogen fixation, means industry में nitrogen को किस तरह से fix किया जा सकता है। First step की तरफ चलते हैं, that is atmospheric nitrogen fixation. Atmosphere में nitrogen किस तरह से fix होती है। Number one, thunderstorms and lightning convert gaseous nitrogen into oxides of nitrogen. इस diagram में हम atmospheric nitrogen fixation को observe कर सकते हैं। Thunderstorm के वक्त lightning की presence में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करकर नाइट्रेट्स फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नंबर टू, ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म द नाइट्रिक एसिड्स। एसिड्स कंबाइन विद अदर सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस द नाइट्रेट्स। देन ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड्स जब दूसरे सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो नाइट्रेट्स को फॉर्म करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स होती है। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बैक्टीरिया।
As some bacteria have the ability to transform gaseous nitrogen into nitrates. Some of these bacteria live as symbiont and many are free living. Nitrogen fixing bacteria जिनमें ये ability present होती है कि वो atmosphere में मौजूद free gaseous nitrogen को nitrates में convert करते हैं. इनमें कुछ तो bacteria plants की root nodules में रहते हैं, so they are called the symbiont. And other are free living जो कि soil में present होते हैं, वो भी nitrogen को fix करते हैं. तो इसे बोलते हैं biological nitrogen fixation. देन चलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इन इंडस्ट्रीज व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम नाइट्रेट. इंडस्ट्री में जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर के और टेम्परेचर के अंडर कंबाइन किया जाता है तो अमोनिया फॉर्म करता है. देन इस अमोनिया को फर्दर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज अमोनिफिकेशन, मींस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड्स इनटू द अमोनिया. इट इज डन बाय द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. डेड ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में उनकी प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है या यूरिया और यूरिक एसिड की जब ब्रेकडाउन होती है तो इसके रिजल्ट में अमोनिया फॉर्म करता है. सो इन दिस वे देयर अकर्स द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन बाय द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमोनिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज नाइट्रिफिकेशन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स. This is called nitrification. Ammonia से nitrides और nitrates के बनने के process को nitrification बोलते हैं. And this is done by the nitrifying bacteria. They are of two types, nitrosomonas are the bacteria by which ammonia is converted into nitrides. Nitrosomonas ऐसे nitrifying bacteria होते हैं जो के ammonia को nitrides में convert करते हैं. And the second type is nitrobacter. Are the bacteria which convert nitrites into nitrates. Then in nitrites को nitrates में ये bacteria nitrobacter convert करते हैं. यहाँ इस diagram के through हम formation of nitrates के तीनों steps को understand कर सकते हैं. First of all, nitrogen fixation like atmospheric nitrogen fixation and biological nitrogen fixation that is done by the bacteria. Then after the fixation of nitrogen, there occurs the second step that is ammonification. Formation of ammonia. Then at last there occurs the nitrification, that is the formation of nitrides and nitrates by the nitrifying bacteria. Then चलते हैं nitrogen cycle के second step की तरफ, that is assimilation. Now what is assimilation? The utilization of nitrates by the organisms is called assimilation. Plants utilize nitrates for making the proteins and nucleic acids. Animals take these nitrogenous compounds from the plants. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के बाद नाइट्रोजन साइकिल के सेकेंड स्टेप में एसिमिलेशन होती है. एसिमिलेशन मीन्स के इन नाइट्रेट्स को यूटिलाइज करके प्लांट्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. देन एनिमल्स गेन दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय ईटिंग दिस प्लांट्स. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन. नाउ व्हाट इज दिस डीनाइट्रिफिकेशन? इन दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स are reduced to the gaseous nitrogen and it is done by the denitrifying bacteria. Like nitrification nitrifying bacteria ke through hoti hai, jabki denitrification denitrifying bacteria ke through hoti hai. Nitrification is the formation of nitrates while denitrification is the breakdown of nitrates. In this way nitrogen is returned to the atmosphere. अब denitrification ka process kyun important hai? Ye step isliye important hai ki iske through नाइट्रोजन अगेन वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर को रिटर्न की जाती है, सो दैट के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का बैलेंस मेंटेन रखा जा सके. सो बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस गैस. एट द एंड देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन ऑन द एनवायरनमेंट. नंबर वन, इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी स्टिमुलेटेड बाय वाटर लॉगिंग, lack of aeration and accumulation of organic matter in the soil. Excessive denitrification here means jab excess mein nitrogen environment mein return ki jati rahe to soil mein nitrogen gas ki kami ho jane se
सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है. ऑल्सो रिजल्ट इन द वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग इस डायग्राम में ऑब्जर्व किया जा सकता है जब सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है. एंड फाइनली इट रिजल्ट इन द लैक ऑफ एरेशन, मीन्स सॉइल में मौजूद जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता और एयर इसको सॉइल को क्रॉस नहीं कर पाती. ऐसा तब होता है जब एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए. होप सो ऑल द स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर क्लियर टू यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.